नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने कल के लिए मतलब 26 नवंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और ये वीडियो आप लोग शेयर, मैंने और कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलूँगा जो आप लोग ये ट्रेंड के साथ जुड़ा हुआ है निफ्टी, इसमें आप लोग को ट्रेंड पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने स्क्रीनिंग करके, मेरा जो बाय सेल लेवल फाइल है, एक्सेल फाइल है, वो स्क्रीनिंग करके मैंने रेगुलर व्यू देता हूँ, वो नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बना के रखा हूँ जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दिला सकता है, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और कुछ पेयर ट्रेडिंग, हाउ टू स्क्रीन माई बाय सेल लेवल्स, आर्बिट्रेज, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कैसे स्टॉक चुना जा सकता है, वो भी आप लोग उधर से देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज ये आप लोग को काम पे जरूर आएगा। और ये वीडियो आप लोग ये सब चीज़ आप लोग ज़रा से ज़रा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो देखिए, निफ्टी पहले अगला दिन 61.8% में रिट्रेस होकर ये फिर ऊपर गया है, एग्जैक्टली 61.8% जाके ये रुका था, टेस्ट कर रहा था, लेकिन 61.8 ब्रेक नहीं कर पाया, इधर से रिट्रेस होकर फिर ऊपर चला गया। लेकिन उससे जो 12,100 में इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तोड़ नहीं पाया, तो उधर 12,083 में ये रुक गया है, वो 12,109 के ऊपर जाएगा तो 154 तक फिर से ऊपर जा सकता है, ये और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन उसको 200 जाने के बाद 200 जाने के लिए 157 का जो लेवल है वो तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा ओवरसोल्ड RSI भी ओवरसोल्ड दिखा रहा है अभी तक। देखिए, इधर में कुछ मतलब जो RSI का जो सिग्नल है ये कुछ डाइवर्जेंस वाला भी रखता है, तो ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI ऐसा कुछ नहीं, ये नीचे आ सकता है। और इधर का नीचे का लेवल भी इधर से दिख जाएगा आप लोग को, 61.8% 880 के नीचे ये 800 का तक आ सकता है, उसके बाद 795, उसके बाद 650 तक आ सकता है। और बैंक निफ्टी का मैंने लेवल दिखाऊंगा, तो देखिए बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में देखिए ये 38.2% के ऊपर होके ये गया है, RSI भी ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। ये अभी तक 32,000 का लेवल, 31,500 तो ब्रेक किया है, लेकिन 32,000 तक नहीं जा पाया अभी तक। ये इधर से भी इसका भी रिट्रेस होने का चांसेस है, और इधर 32,900 में ये सपोर्ट ले सकता है। और इधर जो इसका ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा, तो देखिए यह निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ये PCR रेशियो 1.5 के आसपास हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्टेड ले सकता है, मतलब नीचे आ सकता है। इधर 12,100 में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और उधर 12,200 में इसका शॉर्ट कवरिंग हुआ है, देख रहा है आप लोग को नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और इधर कॉल पुट साइड में 12,000 में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इधर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अकोमोडेट हुआ है, तो इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है, और जो निफ्टी को नीचे ले आ सकता है। और 12,200 तक इसका जाने का प्रोबेबिलिटीज मैंने इधर से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट किया हूँ, तो इधर 12,200 में प्रोबेबिलिटीज थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, 11,900 के ऊपर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये नीचे आने का प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, कुछ ये इसके अंदर कंसोलिडेट कर रख सकता है। लेकिन इधर निफ्टी का कैलकुलेशन जो भी दिखा रहा है वो आप ट्रेंड में जाएगा 3 दिन का एक्सपायरी में, लेकिन ये इधर से मतलब उसको उसका लेवल आप लोग को दे दूंगा, और इसका ट्रेंड कैसे पता चलेगा वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, वो आप वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए।
ये बैंक निफ्टी का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इधर पिछले रेशियो 1.45 के आसपास है। इधर देखिए इसका 32,000 में इसका रजिस्टर्स है, कॉल साइड में ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है। और इधर 31,000 में इसका हेवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो इधर और भी ये ऑप्शन चेन में ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कॉल साइड में। और इधर शॉर्ट कवरिंग बराज एक दूसरे शॉर्ट कवरिंग ये इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर जाएगा, लेकिन पीसीआर रेशियो जो है वो और इधर प्रोबेबिलिटी भी दिख रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन पीसीआर रेशियो और चार्ट का जो पोजीशन है तो उसमें नीचे भी आ सकता है, नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी आ सकता है। तो ये मतलब कंसोलिडेट करेगा इसके अंदर ही कंसोलिडेट करेगा, उसका सही लेवल आप लोग को बता दूंगा। तो मैंने रात में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन में बताता हूँ तो उसमें से आप लोग को पता चल जाएगा। और जो मेरा बाय सेल लेवल का स्किनर बनाता हूँ इधर से भी आप लोग को ट्रेंड का पता चल जाएगा। तो इसीलिए ये फाइल के बारे में बोलना ज़रूरी है। मैं आज परफॉर्मेंस वाला ये इसका फाइल का परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख सकता है और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का कॉल्स भी देख सकता है। और इधर इसके पहले जो 3-4 वीडियो बनाया था हाउ टू स्क्रीन उसका परफॉर्मेंस बाय सेल लेवल का परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और बाय सेल लेवल्स का रिकमेंडेशन आप लोग देख लीजिए तो ये वीडियो आप लोग को समझने के लिए सुविधा हो जाएगा। तो इसमें देखिए मैंने अच्छा बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी जो दिखाया था, देखिए 31,000 में सपोर्ट पकड़ा और 32,000 में रेजिस्टेंस पकड़ा, तो अभी ये ऊपर का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन मैंने एज आई टोल्ड दैट ये नीचे चार्ट का पोजीशन और पीसीआर रेशियो एनालिसिस तो ये कुछ नीचे आने का प्रोबेबिलिटी है। तो देख सकता है, देखता है कौन सा साइड में जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ है वो करेक्ट एंट्री लेवल, वो ट्रेंड कुछ भी हो ट्रेंड को पकड़ना और उसको करेक्ट एंट्री में लेना वही असली चीज़ है। तो ट्रेंड भी कुछ भी हो आप लोग को प्रॉफिट ही दिलाएगा। तो इसीलिए मैंने ये फाइल के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए वाइसल लेवल मैंने दो फाइल बनाता हूँ, वाइसल लेवल 1, वाइसल लेवल 2 और वाइसल लेवल 3। तो मतलब वाइसल मैंने दो फाइल बनाता हूँ, वाइसल लेवल कम स्किनर और वाइसल लेवल ओनली वाइसल लेवल 3। तो वाइसल लेवल स्किनर में वाइसल लेवल 1, वाइसल लेवल 2, वाइसल लेवल 3 रहता है, मैंने बार बार बोलता हूँ। लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होता है तो भी बोलता हूँ आप लोग अच्छा होगा कि इसका वीडियो देख लीजिए, अगला वाला वीडियोस देख लीजिए। इसमें एक स्ट्रेटजी रहता है वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कुछ प्रोबेबिलिटीज कुछ इंडिकेटर कुछ ई मेगा क्रॉस ओवर VWAP बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल टीरन लेवल ये सब चीज़ देख कर आप लोग स्क्रीन कर सकता है। वैसे लेवल 3 मेरा मोस्ट रिकमेंडेड लेवल है, उसमें मैंने उसको भी आप लोग उसमें कुछ स्ट्रेटजीज लगा हुआ हूँ, उसमें भी दूसरा स्ट्रेटजीज लगा हुआ हूँ ये सब देखता है। ये इधर आप लोग पीछे हुआ इधर स्टडीज देख के इधर देख के आप लोग स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीन कर लेके अच्छी तरीके से आप लोग स्टॉक्स चुन के उसका एंट्री ले सकता है। और बाय सेल लेवल 3 में मैंने अप ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल रखा हूँ और डाउन ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल रखा हूँ। अप ट्रेंड में भी बाय सेल रखने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड जब और भी अप जाएगा तो उसको कौन सा लेवल सही है, और अप ट्रेंड से जब रिटेस्ट करके सेल लेवल आएगा तो वो कौन सा लेवल पे आएगा, और डाउन ट्रेंड जब रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे सही रहेगा। और जो आप लोग को 95% के ऊपर आप लोग को प्रॉफिट दिला सके और डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना सही होगा, उसके बाद मैंने किया ये जो कौन सा लेवल पे है वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी ऐसा है, इस आप लोग मेरा निफ्टी स्टॉक्स है 150 एफएनओ स्टॉक्स है, कमोडिटी का लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी का और फ्यूचर्स का लेवल रहता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड और लेवल्स आप लोग को इधर से पता चल जाएगा। तो इधर से भी आप लोग को इधर दिखेगा कौन सा लेवल पे है एलटीवी पोजीशन, मतलब लास्ट ट्रेड प्राइस कौन सा लेवल पे है वो इधर से आप लोग को एक शॉट में पता चल जाएगा। और ये इधर मूविंग एवरेज 5 और 34 का क्रॉस ओवर हुआ है कि नहीं है, ये बहुत ही वाइटल एक क्रॉस ओवर है क्योंकि ये ओसम ओसिलेटर जो है इसका कैलकुलेशन इसमें चलता है। ओसम ओसिलेटर 0 लाइन का अप डाउन होता है 534 का ऊपर नीचे। और इधर देखिए हाई लो क्लोज करंट हाई लो क्लोज और प्रीवियस क्लोज का जो एवरेज है करंट हाई माइनस प्रीवियस क्लोज करंट ये करंट लो माइनस प्रीवियस क्लोज का करंट क्लोज माइनस प्रीवियस क्लोज उसके रिस्पेक्ट में ये आप लोग को स्क्रीनिंग करके दिखाने का कोशिश करता हूँ।
या पता नहीं मेरा वीडियो